जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली है जो दिल्ली पुलिस स्कैम हुआ था, दिल्ली पुलिस एग्जाम का जो स्कैम हुआ था उसके बारे में। दोस्तों, आप कई लोगों ने ये देखा होगा कि जो दिल्ली पुलिस एग्जाम स्कैम हुआ था जिसमें पेपर वायरल का जो पंगा चल रहा था उसके बारे में अब बहुत सारी YouTube पे वीडियो आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट पहुंच गई, दिल्ली पुलिस कोर्ट में, दिल्ली पुलिस के भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है। और आपने देखा होगा कि अब पता नहीं इसका फिजिकल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कैम तो इस भर्ती में काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ था और सभी ने इसके लिए मतलब ट्विटर या जितनी भी आवाज़ उठा सकते, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, काफ़ी आवाज़ भी उठाई है कईयों ने जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देके आए, क्योंकि उनको सबको लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है। दोस्तों, लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही है, कई आपने जो न्यूज़ यूट्यूबर है वो बार बार इसी न्यूज़ को, एक ही न्यूज़ को टैग लगा के न्यूज़पेपरों के जैसे फ़ोटो लगा रहे हैं या जो टीवी के न्यूज़ एंकर हैं उनकी फ़ोटो के साथ में दिल्ली पुलिस कोर्ट में, दिल्ली पुलिस कोर्ट में, दिल्ली पुलिस भर्ती कोर्ट में, तो अब आपको लग रहा है कि इसका फिजिकल नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि ये जो जितने भी न्यूज़ बांट रहे हैं दिल्ली पुलिस से संबंधित, इनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, भर्ती में स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कई लोगों ने सिलेक्शन कमीशन थी उसको कि इसका जो ज्ञापन सौंपा गया था कि ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में इस प्रकार से स्कैम हुआ था, और वो जो उसकी रिसिप्ट थी, उसकी जो रिसीविंग जो स्लिप थी, उसको बार बार न्यूज़ में दिखा रहे हैं, जो यूट्यूब पर नोट न्यूज़ में यूट्यूब जो वीडियो बना रहे हैं उसमें वही स्लिप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोर्ट में पहुंच गई है, कोर्ट में पहुंच गई है रिसीविंग स्लिप। जो आप रिसीविंग स्लिप देख रहे हो वो है जो ज्ञापन दिया था या जिन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर दिया था जो कमिश्नर साहब को कि भाई ये इसमें स्कैम हुआ है, तो उनकी जो रिसीविंग स्लिप है वो स्लिप है। दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस कोर्ट में पहुंच गई, इसका ये लेके आप फिजिकल की तैयारी ना छोड़ देना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली पुलिस कोर्ट में नहीं पहुंची है, अभी तक दिल्ली पुलिस का जो भर्ती है वो कहीं कोर्ट के आसपास भी नहीं है, उसका जरूर ज्ञापन चल रहा है, उस पर आगे क्या एक्शन होता है ये पता नहीं, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची है। और आप अपनी फिजिकल की तैयारी में कोई कमी ना रखें, आप अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि फिर लास्ट के समय में दिल्ली पुलिस का फिजिकल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, तो फिजिकल का अगर आपको निकालना है, आपको अपना फिजिकल निकालना है, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए और इन अफवाहों पे ना ध्यान दें कि दिल्ली पुलिस कोर्ट में फंस गई है, दिल्ली पुलिस कोर्ट में फंस गई है। ये बार बार फालतू के वो लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, जिनका फालतू वीडियो बना के आप लोगों को गुमराह करना काम, तो इनकी बातों में आप आके अपना खुद का नुकसान ना कर ले दोस्तों, क्योंकि इनका कुछ नहीं जाएगा। बाद में चार गाली दे दोगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये अभी बांटते रहेंगे बधाइयाँ। आप इनकी अगर बातों में फंस गए तो बाद में इनका कोई नुकसान नहीं होगा, आप फिर इनके चक्कर में चार गाली दे देना कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की। तो इसकी वजह ये है कि आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए। दिल्ली पुलिस भर्ती अभी तक कोर्ट में नहीं गई है, ना कोर्ट में फंसी है, और ना इसके स्कैम का कोई 100% ये प्रूफ हुआ कि इसके 101% की भाई ये प्रूफ हो गई, अब ये भर्ती नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भर्ती नहीं होगी या भर्ती कैंसिल होगी, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, और ना ही ये भर्ती कैंसिल होगी। दोस्तों, आप मान के चलिए जिनका पेपर हुआ है, जिनके अच्छे नंबर है, तो वो फिजिकल की तैयारी ज़रूर करिए। अच्छे नंबर का मतलब है कि जिनको लगता है कि वो पास हो गए, वो सभी फिजिकल की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़िए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ताकि फिजिकल देने के समय आपको इनको गालियाँ नहीं देनी पड़े। इन यूट्यूबरों को कोई मतलब नहीं है इनसे, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखिए, और दिल्ली पुलिस का फिजिकल होगा ही दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी फिजिकल की अभी से शुरू कर दे। दोस्तों, इन लोगों का कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल भांड की तरह बोलते रहेंगे और फालतू के वीडियो डालते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, तो आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।